गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। क्लास है आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास है आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, ये क्लास आपकी जो है वो कंबाइंड है किसकी, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा फोकस है बट इलेक्ट्रिकल वाले भी क्लास अटेंड कर सकते हैं क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो क्या है दोनों ब्रांचेस के कॉमन होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेके हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आज का कि इफ अ सिग्नल एक्स एन इक्वल टू एक्स माइनस एन, ठीक है, कि अगर एक सिग्नल कोई हमारा एक्स एन लिखा हुआ है, एन बोलने का मतलब है कि सिग्नल कैसा है, डिस्क्रीट सिग्नल है। अगर यहीं पर टाइम टी लिखा हुआ होता तो सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होता। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है कि कंटिन्यूअस वो सिग्नल होता है जो क्या होता है कंटिन्यूअस विद एम्पलीट्यूड हो और कंटिन्यूअस विद टाइम हो। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं क्या ये सिग्नल, तो ये क्या है हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल है। ये कंटिन्यूअस है किसके साथ, टाइम के साथ भी, और कंटिन्यूअस है किसके साथ, एम्पलीट्यूड के साथ भी। वहीं अगर मैं डिस्क्रीट सिग्नल की बात करूं ये तो हो गया आपका कंटिन्यूअस सिग्नल। अगर डिस्क्रीट सिग्नल की बात करता हूं, ठीक है, ये एक्स टी एंड दिस इज टाइम डोमेन टी, दिस इज एक्स एन और ये एन। अगर किसी डिस्क्रीट सिग्नल की बात कर रहा हूं तो सिग्नल डिस्क्रीट होता है कब, जब वो डिस्क्रीट हो किस पे, एम्पलीट्यूड में भी एंड टाइम में भी। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं सिग्नल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लेके अगर मैं कोई सिग्नल रिप्रेजेंट 1 2 3 4 हर इंस्टेंट पे क्या है आपका, अगर आप हर टाइम पे देखें तो अगर मैं 1 पे देखूं तो कुछ अलग एम्पलीट्यूड है, 2 पे देखूं तो कुछ अलग है। तो इसका मतलब डिस्क्रीट विद एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट विद टाइम, तो ये होता है आपका क्या डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, तो ये तो हो गए कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल। अब पूछा गया है कि इफ अ सिग्नल एक्स एन रिप्रेजेंट इक्वल टू एक्स माइनस एन, तो माइनस एन बोलने का मतलब है जब आपका टाइम डोमेन में रिवर्सल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक्स एन कोई सिग्नल होगा या स्पेक्ट्रम होगा उसका सेम इमेज आनी चाहिए या सेम मिरर इमेज भी कैसे आनी चाहिए, ऐसे ही आनी चाहिए जैसा आपका एक्स एन था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी बेसिकली इवन और ऑड सिग्नल की प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर ऐसा हो रहा है आपका कि जो एक्स एन है आपका, बोलने का मतलब क्या है कि अगर एक्स एन बोला है इसने तो माना कोई सैंपल इस तरीके से है आपका, ये 2 ये 2 ये 0 ये 1 ये -1। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू 1 है। या अगर आपका कोई एक्स एन सिग्नल इस तरीके से है फॉर एग्जाम्पल, और इसने क्या कहा एक्स एन का आपको क्या करना है रिवर्सल करना है, तो माइनस एन रिवर्सल करने का मतलब होता है कि आपको डायरेक्टली क्या देखनी है इस सिग्नल की मिरर इमेज देखनी है। तो अगर आप इसके सामने भी मिरर रखेंगे तो कैसा होगा आपका सिग्नल, फिर से कैसे दिखेगा, जो जीरो पे है वो तो सेम ऐसे ही दिखेगा 1, ये 1 चले जाएगा यहां -1 पे और ये -1 आ जाएगा यहां +1 पे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अपनी एम्पलीट्यूड कितना है दोनों सिग्नल के लिए 2 2 है, ये हो गया आपका एक्स माइनस एन। तो इस टाइप का सिग्नल जिसके लिए क्या होता है मिरर इमेज उसके सेम ओरिजिनल सिग्नल की तरह आती है वो सिग्नल होता है आपका इवन सिग्नल। ठीक है, और अगर ये इक्वल ना रहा होता, बोलने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ये हो गया, अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं बोलता हूं कि एक्शन आपका कुछ इस तरीके से होता कि ये यहां पर 1 ये 3 और ये 2, ठीक है, ये -1 0 1, ये हो गया आपका एक्स एन और एन। अब अगर इस सिग्नल का मैं मिरर इमेज देता, अगर मैं इसके सामने पे मिरर रखूं तो ये 1 वाला -1 पे जाएगा तो कैसा आएगा हमारा सिग्नल, ये -1 और -1 पे कितना एम्पलीट्यूड चले जाएगा क्योंकि इस तरीके से देखेंगे तो ये साइड क्या दिखेगी, यहां दिखेगी और ये मिरर के दूसरी साइड दिखेगी, तो ये एक्सिस चेंज हो जाएगी आपकी, यह आ जाएगा माइनस में यह आ जाएगा पॉजिटिव में, तो -1 पे आ जाएगा एम्पलीट्यूड 3, 0 पे आपका एज इट इज रहेगा ये 1, ठीक है, और +1 पे आ जाएगा आपका 2, ये +1 पे आ गया आपका 2 एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर हम इस सिग्नल को देखें यहां 1 पे वैल्यू 3 है यहां 1 पे वैल्यू 2 है, ये है आपका एक्स माइनस एन। तो जिस सिग्नल के लिए जैसे ये पहले वाला एग्जांपल था इसके लिए क्या आया था आपका कि जो आपका एक्स एन था जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था वो एज इट इज आ रहा है कैसा जैसे उसकी या जो इस अगर इसके मिरर इमेज ले रहे हैं तो वो एज इट इज आ रहा है जैसा आपका गिवन सिग्नल था। जबकि दूसरे एग्जांपल के केस में क्या हो रहा है कि जो आपका एक्स एन गिवन सिग्नल था और उसके जब हम मिरर इमेज ले रहे हैं तो इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो जब ये इक्वल आता है तो ये होता है आपका इवन सिग्नल और जब ये इक्वल नहीं आते हैं तो ये होता है आपका ऑड सिग्नल। तो यही यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन कि इफ सिग्नल एक्स एन इक्वल्स टू एक्स माइनस एन, कि अगर ऐसा हो रहा है कि मिरर इमेज ओरिजिनल सिग्नल के सेम आ रही है
ठीक है, तो उस सिग्नल को क्या कहते हैं, दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज इवन सिग्नल, दैट इज ऑप्शन फोर्थ आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इवन और ऑड सिग्नल। तो ध्यान रखें, इवन सिग्नल वो सिग्नल होगा जिसकी मिरर इमेज सेम ओरिजिनल सिग्नल की तरह आए, ठीक है, और ऑड सिग्नल होता है जिसकी मिरर इमेज ऑड सिग्नल की तरह ना आए, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि जैसा जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है वैसे, ये ना इवन है ना ऑड है। अगर मैं बात करता कि अगर जैसे होता क्या है नॉर्मली कंडीशन, कि जो ऑड सिग्नल की कंडीशन होती है वो होती है xn इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस n, ठीक है। नॉर्मली ये कंडीशन आपकी क्या होती है, ऑड सिग्नल की होती है, ठीक है। ये जो सिग्नल है वैसे ये ना इवन है, नाइदर इवन एंड नॉर ऑड, ठीक है, ये तो कैसा भी सिग्नल नहीं है वैसे, ठीक। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन लिखी होती कि xn इज इक्वल टू माइनस x ऑफ माइनस n, तो ये सिग्नल कैसा होता, ऑड सिग्नल होता, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई और एलएसआई, ठीक है। ये जो LTI होता है ये होता है आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। और दूसरा जो LSI है ये होता है आपका लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट, ठीक है। तो क्या बोला है, द रिस्पॉन्स ऑफ एन LTI और LSI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट और लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाई द ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, वो इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो किस किस का जो इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, कन्वोल्यूशन होता है या को रिलेशन होता है या सुपर इम्पोजिशन होता है या नन ऑफ द अबव होता है। तो जो LTI सिस्टम जो बोलता है आपका, उसका जो आउटपुट आता है वो आता है आपका XT, अगर आउटपुट आपका YT है तो ये आपका आता है XT कन्वोल्यूशन विद HT, ठीक है। जहां पर XT आपका क्या होता है, XT होता है आपका इनपुट सिग्नल और HT होता है आपका इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल, ठीक है। और ये जो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला आता है ये आता है आपका माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव एक्स टाओ HT माइनस टाओ इंटू डी टाओ, ठीक है, ये आता है आपका कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला। तो आप ध्यान रखें, चाहे वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट हो या लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट हो, दोनों सिस्टम का जो आउटपुट रिलेशन आता है वो क्या आता है, इनपुट का कन्वोल्यूशन एंड आउटपुट का कन्वोल्यूशन। ठीक है, और कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, x tau into ht minus tau into d tau, शिफ्टेड वर्जन ऑफ ht, ठीक है। ht आपका इनपुट सिग्नल होता है, ht आपका इंपल्स रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका The कंपेंडर्स आर यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कंपेंडर्स यूज होते हैं आपके किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो कंपेंडर्स होते हैं वो यूज होते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आंसर होगा आपका टू इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है। कंपेंडर्स आर यूज टू इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइस रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICB0 is ICB0 in a transistor can be reduced by reducing, ठीक है। तो पहले भी बताया है ICB0 हो या ICE0 हो, दोनों क्या होती हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है। ये है आपकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अगर ICE0 होता तो होता कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। दोनों होती कैसी हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट या जिसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। तो इसने कहा है कि जो आपकी लीकेज करंट है एक ट्रांजिस्टर के लिए वो रिड्यूस होती है, किसको रिड्यूस करने पर, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एनालॉग या ईडीसी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है हर टेम्परेचर के, ठीक है, टेम्परेचर के हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज होने पर क्या हो जाता है, आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो क्या होती है आपकी, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है उसकी प्रीवियस वैल्यू के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर अगर आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है तो किस चीज को रिड्यूस करके आपकी ये रिवर्स सैचुरेशन करंट घटाई जा सकती है, वो है आपका टेम्परेचर। कि अगर आपका टेम्परेचर घटेगा तो रिवर्स सैचुरेशन करंट भी ऑटोमेटिक घटेगी। बाकी इसके बीच में जो एक फॉर्मूला होता है, अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट आपकी आई नॉट है, ठीक है, तो यह आता है आपका आई नॉट टी टू एट टेम्परेचर टी टू इज इक्वल टू आई नॉट एट टेम्परेचर टी वन मल्टीप्लाई 2 की पावर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई 10। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लें क्योंकि इस फॉर्मूले में बेस भी आता है। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछता है कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए जो आपके रिवर्स सैचुरेशन करंट पहले थी वो कुछ मिली एम्पियर थी, ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजिस्टर पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है या 2 क्या हो जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो उस केस में ये फॉर्मूला लगाना है, आई नॉट टी टू का मतलब है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट एट टेम्परेचर 2 जो आपको दूसरा टेम्परेचर गिवन होगा, ठीक है, ये है आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट एट टेम्परेचर 1। ठीक है, टी टू है आपका सेकेंड टेम्परेचर जो आपको सेकेंड टेम्परेचर गिवन होगा जिस पर कैलकुलेशन करनी होगी, और ये है आपका प्राइमरी टेम्परेचर। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर होने पर क्या हो जाता है आपका जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इसका मतलब अगर आईसीबी नॉट या रिवर्स सैचुरेशन करंट आपको घटानी है तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा डिवाइस का। ठीक है, तो आंसर आपका 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि लाइट इज कन्फाइंड विद द कोर ऑफ अ सिंपल ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है कि अगर एक लाइट कन्फाइंड हो रही है विद इन किसके, कोर ऑफ अ सिंपल ऑप्टिकल फाइबर, कि कोर में एक लाइट कन्फाइंड हो रही है तो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन होगा या टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एट आउटर एज ऑफ द क्लैडिंग या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दी कोर क्लैडिंग बाउंड्री, यह होगा आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी फाइबर्स प्लास्टिक कोटिंग। ठीक है, तो क्या होगा आपका जब लाइट सिंपल ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होगी आपकी कन्फाइंड होगी, तो उस केस में क्या होता है आपका कि जो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है वो कहां होता है, एट दी कोर क्लैडिंग बाउंड्री। नहीं, ये जो आपका सेकेंड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट दी आउटर एज ऑफ दी क्लैडिंग। ठीक है, जब भी आपका क्या होता है लाइट कन्फाइंड होती है कोर में, तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कहां होता है, एट द आउटर एज ऑफ क्लैडिंग में होता है। ठीक है, क्लैडिंग की आउटर एज में आपका क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी सिंप्लीफाइड। ठीक है, या द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन सिंप्लीफाइड विल बिकम, कि जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो आपका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपका, ये एक्स वाई ये बार है यहां पर, एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड। ठीक है, तो आप क्या करते हैं अगर इसको सॉल्व करते हैं, इस एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कुछ बुलियन एक्सप्रेशन के रूल होते हैं वो आप ध्यान रखें कि क्या होता है, x प्लस अगर मैं 1 कर रहा हूं किसी भी बुलियन एलजेब्रा में, अगर मैं कितनी भी वैल्यू है कितना भी बड़ा है बुलियन एलजेब्रा है और उसमें कहीं पर भी प्लस 1 हो जाए तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, आउटपुट हमेशा हाई होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x प्लस x बार कर रहा हूं कि एक हाई इनपुट और एक लो इनपुट को ऐड कर रहा हूं तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर x इंटू एक्स बार कर रहा हूं कि एक हाई इनपुट और एक लो इनपुट, बोलने का मतलब कि अगर मैं 1 और 0 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, आंसर हमेशा 0 आएगा।
ठीक है। तो ऐसे ही अभी इन्हीं तीनों से हमारा काम हो जाएगा। अगर इनमें से देखते हैं तो पहले क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स बार वाई जेड, तो एक्स है और ये एक्स बार है, ठीक है। तो जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, पहला टर्म जीरो, ठीक है। फिर दूसरी टर्म में पहुंचते हैं तो यहां पर भी एक्स बार है, ये फिर से एक्स है, तो दूसरी टर्म भी जीरो, ठीक है। ऐसे ही फिर थर्ड टर्म पे पहुंचते हैं तो थर्ड टर्म पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाई है और ये वाई बार है, ठीक है। तो वाई इंटू वाई बार जीरो, जैसे एक्स इंटू एक्स बार जीरो था वैसे वाई इंटू वाई बार जीरो। तो इसका मतलब क्या है, इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करके आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए या फर्स्ट ऑप्शन कितना आएगा आपका, जीरो आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन का क्या फॉर्मूला है, जो आपका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपका क्या है एक और कोई भी पैरामीटर उसके कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आउटपुट हमेशा जीरो आएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर x1 है आपका तो जाहिर सी बात है x बार कितना होगा, जीरो होगा, और वन और जीरो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। चाहे तो x को आप जीरो लें तो x बार आपका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन का इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक नंबर में आता है, जिसमें क्या आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ पीसीएम सिस्टम ऑफ टेलीमेट्री, ठीक है, कि पीसीएम क्या होता है आपका, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये जो पीसीएम है आपका ये होता है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इन अ पीसीएम सिस्टम ऑफ टेलीमेट्री द क्वांटाइजेशन नॉइज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो क्वांटाइजेशन नॉइज डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, क्वांटाइजेशन लेवल पर डिपेंड करता है। तो क्या आएगा आंसर आपका, द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल, ठीक है। कि किसी भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में या मॉड्यूलेटर में जो आपका क्वांटाइजेशन नॉइज होता है वो डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी जैसे आप लोगों को ध्यान भी होगा कि क्वांटाइजेशन का मेन काम होता क्या है, पर्टिकुलर लेवल प्रोवाइड करना सिग्नल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इन पीसीएम सिस्टम पल्स कोड मॉड्यूलेटर सिस्टम इफ वी इंक्रीज द क्वांटाइजेशन लेवल फ्रॉम 2 to 8, कि अगर क्वांटाइजेशन लेवल 2 to 8 कर दिया जाता है, ठीक है, देन रिलेटिव बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट विल बी, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट या बैंडविड्थ पर क्या इफेक्ट आएगा, तो क्वांटाइजेशन लेवल आपका क्या हुआ, 2 to 8 हुआ, ठीक है। इसका मतलब 2 to 1 से आपका कितना हुआ, 2 to 3 हुआ है, ठीक है। तो जितने आपकी 2 to the power n होगी, 2 to the power जितना n आपका जाएगा उतने टाइम्स आपकी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो दैट इज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट विल बी ट्रिपल, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, ये क्या है, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल है, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 हो जाएगा, तो 3 आ गया तो इसका मतलब क्या, बैंडविड्थ आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द मॉड्यूलेशन सिस्टम इनहेरेंटली मोस्ट नॉइस रेजिस्टेंट इज, ठीक है, कि जो आपको मॉड्यूलेशन टेक्निक दी गई है उनमें जो सबसे ज्यादा क्या होता है, नॉइस रेजिस्टेंस कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। इन्हीं को आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो इसको आप लिखते हो FM, ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है तो PWM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है तो PCM और फेज मॉड्यूलेशन है तो PM, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द मॉड्यूलेशन सिस्टम इनहेरेंटली मोस्ट नॉइस रेजिस्टेंट, कि कौन सा मॉड्यूलेशन सिस्टम आपका नॉइस को सबसे ज्यादा रेजिस्ट करता है, तो वो होता है आपका कौन सा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन 3 आपका आंसर है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोफोन डज नॉट रिक्वायर पोलराइजिंग करंट, कि कौन सा माइक्रोफोन पोलराइजिंग करंट को, किस माइक्रोफोन में पोलराइजिंग करंट रिक्वायर नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली ध्यान रखें, ये होता है आपका क्रिस्टल माइक्रोफोन, एक ऐसा माइक्रोफोन होता है जिसमें क्या है, पोलराइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ एन ओपैम्प इज लिमिटेड बाय, ठीक है, कि किसी ऑपरेशनल ओपैम्प होता है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कि किसी ऑपरेशनल बैंडविड्थ की लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ, जो बैंडविड्थ होती है वो लिमिटेड होती है किस फैक्टर से, लूप गेन से या स्लू रेट से या आपका आउटपुट इम्पीडेंस से या इनपुट फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो जो बैंडविड्थ लिमिटेड होती है आपके ओपैम्प की वो लिमिटेड होती है स्लू रेट से। ठीक है, स्लू रेट बेसिकली होता क्या है, ये होता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्लू रेट इज इक्वल टू डेल वी नॉट अपॉन डेल टी, क्या बोला, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यही क्या होता है आपका स्लू रेट होता है, और क्या लिमिटेड करता है, ये जो आपकी लार्जर बैंडविड्थ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की उसको क्या करता है, लिमिटेड करता है, या आपका क्या होता है, ये एक लिमिटेशन फैक्टर होता है किसका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन एन अनलॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप, अनलॉक्ड होने का मतलब है कि वो वर्किंग में है, वो लॉक नहीं है अभी। ठीक है, इन एन अनलॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप मेड ऑफ नॉर गेट, ठीक है, कि जो किससे बनाया गया है, नॉर गेट से बनाया गया है, द फॉरबिडन इनपुट कंडीशन, फॉरबिडन बोलने का मतलब क्या है कि जब आउटपुट आपका क्या आता है, कांट डिटरमाइन, या आपकी कौन सा आता है कि जिसमें क्या होता है, इनवैलिड स्टेट आपका क्या आता है, आउटपुट आता है, तो ये हो गया आपका इनवैलिड स्टेट आउटपुट। तो ये पूछ रहा है आपका कि आरएस फ्लिप फ्लॉप में, आरएस का मतलब क्या होता है आपका, ये जो डिपेंड कर डिनोट करता है आरएस फ्लिप फ्लॉप, ये डिनोट करता है रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जो इनका नाम ही है, ये क्या होता है, सेट रिसेट या रिसेट सेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फॉरबिडन इनपुट की बात कर रहा है, तो फॉरबिडन इनपुट कंडीशन बोलने का मतलब क्या है कि जब आपका आउटपुट क्या आता है, इनवैलिड आता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि क्या होता है, जब दोनों इनपुट आपके 0-0 हैं, ठीक है, आरएस फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों इनपुट 0-0 हैं, तो आपका जो आउटपुट आता है, यहां पर आउटपुट लिख रहे हैं, तो आउटपुट जो आपका आता है वो आता है प्रीवियस स्टेट, कब, अगर वो नॉर गेट से बना गया है। ठीक है, नैंड गेट जस्ट थोड़ा सा इन दोनों कंडीशन में डिफरेंस आ जाता है 0-0 और 1-1 में। ठीक है, अगर आर वन है, ठीक है, आर वन है इसका मतलब क्या है, रिसेट है। ठीक है, आर हाई है तो डेटा क्या होना है, रिसेट होना है, तो आउटपुट डेटा जो आपका कुछ भी पहले से सेव होगा वो क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका एस हाई है तो डेटा क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, प्रीवियसली चाहे कुछ भी डेटा स्टोर है क्या जाएगा आपका, वहां पर वन स्टोर हो जाएगा। लास्ट आता है आपका 1-1, ये होता है आपका इनवैलिड स्टेट, इसी को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन इनपुट भी बोलते हैं, ये होता है आपका इनवैलिड स्टेट। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि दोनों इनपुट हाई, क्योंकि आउटपुट पर क्या आ रहा होता है, एक आउटपुट आपका नॉर्मल आ रहा होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंटेड आ रहा होता है, अब दोनों इनपुट हाई हो जाएंगे तो आउटपुट जनरेट करना सर्किट के लिए क्या हो जाता है, एक इनवैलिड स्टेट हो जाती है, वो कोई वैलिड स्टेट नहीं दे पाता है। तो क्वेश्चन जैसा पूछा गया था कि क्या है आपका, कि नॉर गेट से आरएस फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है तो फॉरबिडन इनपुट कंडीशन, तो वो होती है आपकी फोर्थ ऑप्शन, आर इज इक्वल टू 1 एंड एस इज इक्वल टू 1, दैट गिव्स इनवैलिड आउटपुट। बाकी जब अगर आपका दोनों इनपुट 0-0 होंगे तो वो प्रीवियस स्टेट आता है, रिसेट आर हाई होगा तो आपका प्रीवियस डेटा रिसेट हो जाएगा, एस हाई होगा तो प्रीवियस डेटा सेट हो जाएगा, और दोनों हाई होंगे तो इनवैलिड स्टेट आ जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अ फेज लॉक्ड लूप PLL, ठीक है, कहाँ यूज होता है फेज लॉक लूप? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के डिटेक्शन में यूज होता है, FM में यूज होता है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन पहले की क्लासेस में हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अ फेज लॉक्ड लूप इज फीडबैक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, कि ये एक फीडबैक सर्किट होता है जिसमें क्या क्या होता है, फेज डिटेक्टर, लो पास फिल्टर, VCO, ये सारे होते हैं। तो जो आपका फेज लॉक लूप सर्किट बना हुआ होता है, PLL सर्किट बना हुआ होता है, वो इन सब के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ होता है, ठीक है। चाहे वो फेज डिटेक्टर हो या लो पास फिल्टर हो या आपका क्या हो, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ये VCO की फुल फॉर्म होती है आपकी, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ठीक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ होता है, आपका फेज लॉक लूप बना हुआ होता है। यूज किस में होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 339 IC इज एन एग्जांपल ऑफ 14-pin DIP, ठीक है। DIP होता है आपका ड्यूअल इन पैकेज, DIP होता है ड्यूअल इन पैकेज, ठीक है। IC होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो अब 339 IC इज एन एग्जांपल ऑफ 14-pin DIP दैट कैन बी मेड टू फंक्शन एज, ठीक है। ये जो 339 IC होती है, ये कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करती है, ध्यान सीधे याद रखें, ये फंक्शन प्रोवाइड करती है कंपैरेटर का, ठीक है। पैकेजिंग कैसी होती है, ड्यूअल इन पैकेज होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल्टर्स विद द कैरेक्टरिस्टिक आर यूजफुल व्हेन अ रैपिड रोल ऑफ इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रोल ऑफ ग्रेटर देन -20 dB पर डिकेड पोल, ठीक है। तो अगर जहां पर भी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया हो, रैपिड रोल ऑफ पूछा गया हो, तो वहां पर हमेशा फिल्टर यूज होता है, चेबीशेव फिल्टर, ठीक है। डायरेक्ट हमेशा याद रखें कि जहां पर भी रैपिड रोल ऑफ की बात कही गई होगी, फिल्टर होता है आपका चेबीशेव फिल्टर। तो आंसर है आपका ऑप्शन 2। ठीक है, कौन सा फिल्टर होगा, चेबीशेव फिल्टर होगा। ध्यान से देख लें क्या बोला था क्वेश्चन ने, कि फिल्टर विद द कैरेक्टरिस्टिक आर यूजफुल व्हेन अ रैपिड रोल ऑफ इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रोल ऑफ ऑफ ग्रेटर देन -20 dB पर डिकेड, ठीक है। तो फिल्टर होता है आपका चेबीशेव फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following application includes a phase lock loop? ठीक है, कि निम्न में से कौन सा application, कौन सा क्या है आपका application include करता है phase lock loop को, ठीक है। तो PLL जो use होता है, modem में भी use होता है, ठीक है, AM decoders में भी use होता है, tracking filters में भी use होता है, ठीक है। That is option D आपका, option 4th आपका right answer है, कि जो PLL use होता है वो क्या होता है, all of these, that is modem में भी होता है, AM decoders में भी होता है, और tracking filters में भी use होता है, ठीक है। Phase lock loop आपका एक important topic है, इसके पे बेस काफी question आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, कि जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी या एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की विदाउट फिल्टर कितनी होती है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आप डायरेक्टली याद रखें कि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 81% होती है और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ये 40 point something होती है, ठीक है। तो कई बार इसको स्टैंडर्ड 40% भी देता है या 41% भी बोल देता है। तो ये तो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, ठीक है। तो ध्यान रखें, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में एफिशिएंसी कितनी होती है आपकी, 81% होती है, जो कि नियरली या क्या होती है, लगभग डबल होती है किसके, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वोल्टेज रिजोल्यूशन ऑफ एन एट स्टेज लैडर नेटवर्क। ठीक है, ये कल के क्लास में भी एक रिजोल्यूशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्विज हुआ था। ठीक है, तो कल भी बताया था कि रिजोल्यूशन होता क्या है। रिजोल्यूशन होता है आपका मिनिमम चेंज, जो आपका क्या होता है कंटिन्यूअस वोल्टेज में जो आपका मिनिमम चेंज होता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। तो इसने कहा यहाँ पर कि वोल्टेज रिजोल्यूशन आपको निकालना है एट स्टेज लैडर नेटवर्क के लिए। तो कल भी फॉर्मूला बताया था आपको, रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वी आर या रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 की पावर एन। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का क्या फॉर्मूला हो गया, वी आर अपॉन 2 की पावर एन। यहां पर 8 स्टेज का पूछा गया तो आ जाएगा आपका वी रेफरेंस अपॉन 2 की पावर 8, तो जाएगा 2, 8, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। तो दैट इज वी रेफरेंस अपॉन 256, ये आ जाएगा आपका रिजोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आप याद रखें, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं। रिजोल्यूशन इज इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, 2 की रेफरेंस वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिससे कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, वो 0 या 1 लॉजिक इस तरीके से चलता है जब हम एडीसी या डीएससी नेटवर्क बनाते हैं। एन होता है आपका नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ स्टेजेस, वो आपको क्वेश्चन में गिवन थी 8 वैल्यू पुट की, तो आ गया आपका रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 256। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इन विच रीजन द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल इन टनल डायोड। ठीक है, कि निम्न जो फॉलोइंग जो आपके ऑपरेटिंग रीजन दिए गए हैं टनल डायोड किस में से वो स्टेबल किस रीजन में होता है निम्न में से। ठीक है, तो टनल डायोड जो स्टेबल होता है वो होता है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में। ठीक है, कल भी बताया था कि नेगेटिव रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, ऐसा रीजन होता है जहां पर क्या होता है वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ने के बजाय क्या होती है घटने लगती है। नॉर्मली हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े वैसे वैसे क्या होनी चाहिए करंट भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, पर नेगेटिव रेजिस्टेंस या नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ऐसा रीजन होता है जहां पर क्या होता है अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट क्या होती है घटने लगती है उसके साथ। तो टनल डायोड के लिए जो ऑपरेटिंग जो स्टेबल रीजन होता है वो होता है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए